हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, अब आपका इंतजार खत्म हुआ और सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों ने टाइपिंग टेस्ट पास किए उन सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है और पहली बार सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में मेरिट क्रमानुसार आपका रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज अपने मेरिट क्रमानुसार आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जो अभ्यर्थी पास हुए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और जिन अभ्यर्थियों का दोस्तों इसमें रिजल्ट में नंबर नहीं आए वह भी निराश न हो। आगे बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आ रही है, आप उनकी तैयारी अभी से नियमित रूप से करते रहे दोस्तों, आप निश्चित ही आप भी सफल होंगे। और दोस्तों, इसमें अब दस्तावेज सत्यापन आपके कब और कैसे और कहाँ होंगे इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे, और साथ ही दोस्तों आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, ये सब इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप अंत तक बने रहे। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं दोस्तों, आपसे अनुरोध रहेगा हमारे YouTube चैनल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, आपको समस्त भर्तियों की जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। साथ ही सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के बारे में मैंने आज आपको 11 बजे के लगभग बता दिया था कि आज सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आएगा, लेकिन दोस्तों कई अभ्यर्थी बहुत सारे कमेंट करके कई बातें बता रहे थे, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था कि शाम तक इंतजार करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों अभ्यर्थियों में सब्र नहीं होता और बार बार लगभग 1000 से अधिक अभ्यर्थियों ने मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पर कमेंट किया है और बताया है कि सर आप सही बताइए कि रिजल्ट आज आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं एक एक को तो जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया था कि वेट करो आप, शाम तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। कल तक दोस्तों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। कल जब मेरी बात हुई थी तब ये बताया गया था कि रिजल्ट में अभी थोड़ा समय लगेगा और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर इसके लिए अपडेट भी कर दिया था, लेकिन आज जैसे ही पता चला मैं आपको तुरंत प्रभाव से हमारे YouTube चैनल व टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो पर आपको अपडेट कर दिया था। तो दोस्तों, जैसे ही कोई जानकारी मिलती मैं अपडेट कर देता हूँ, लेकिन दोस्तों कोई भी जानकारी संबंधित डिपार्टमेंट से प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन आज सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के संबंध में मीटिंग थी, तो उससे आइडिया लग गया था कि आज रिजल्ट आएगा और 2 बजे तक कंफर्म हो गया था कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आज जारी हो जाएगा, जिसमें दोस्तों टाइपिंग में जो भी अभ्यर्थी पास हुए हैं उनका एक साथ रिजल्ट जारी किया जाएगा, इसमें कट ऑफ नहीं दी जाएगी। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना सहायक इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट सीधी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को वीरता क्रमानुसार मेरिट अनुसार परिणाम जारी किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 3062 और अनुसूचित क्षेत्र के 353 यानी कुल 3415 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, जिसके दोस्तों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के 3 गुना अभ्यर्थियों की परीक्षा के द्वितीय भाग के टंकण गति परीक्षा में 3 गुना अभ्यर्थियों के 1/7/2024 को सूचीबद्ध किया गया और इन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की टंकण गति परीक्षा 27, 28 और 29 अगस्त 2024 को आयोजित करवाई गई थी। साथियों, इस क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचनाओं और मुख्य परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर टंकण गति परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की गई है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की वरीयता क्रम रोल नंबर और श्रेणी दी गई है, यानी मेरिट लिस्ट आपके सामने दी गई है, जिसमें श्रेणीवार मेरिट लिस्ट है। इसमें दोस्तों टॉप गैर अनुसूचित क्षेत्र में 10 कैंडिडेट ये रहे हैं, जिनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, ये इस भर्ती के टॉपर रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों आप अपना रोल नंबर इसमें चेक कर सकते हैं, इसमें आप डायरेक्ट सर्च करके अपना रोल नंबर देख सकते हैं। दोस्तों PDF स्कैन की हुई नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट सर्च करके भी देख सकते हैं। और इसमें टोटल दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई है, इसमें 7054 अभ्यर्थियों को पास किया गया है, ये गैर अनुसूचित क्षेत्र के। इसी प्रकार दोस्तों TSP के ये टॉप 10 अभ्यर्थी है, और इसी प्रकार दोस्तों इसमें टोटल 353 पोस्टों के लिए 607 अभ्यर्थियों को पास किया गया है। इस प्रकार दोस्तों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आपके सामने है, जिसमें आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसकी PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी और आपने चेक भी कर लिया होगा, साथ ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके नोट्स दिए गए। साथियों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के टाइपिंग टेस्ट में 2365 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। इनकी टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुई है, यानी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में 9,500 के लगभग अभ्यर्थियों ने टाइपिंग टेस्ट में बैठे थे, उसमें से दोस्तों 2365 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो टाइपिंग टेस्ट पास नहीं कर पाए। साथ ही दोस्तों कोर्ट में जो मैटर चल रहा है उनके बारे में बताया गया, उक्त अभ्यर्थियों में यथेष्ट संख्या के अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन तो अलग से सूचित किया जाएगा। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के आगे की जानकारी के लिए आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट का दोस्तों नियमित रूप से अवलोकन करते रहे। और दोस्तों अब आगे की प्रक्रिया, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के आगे की सारी प्रक्रिया आप सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा की जाएगी, इसलिए आप नियमित रूप से हमारे साथ बने रहे, आपको पल पल के अपडेट दोस्तों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के संबंध में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अब साथियों, आप इसमें अपना नंबर और रोल नंबर चेक करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा।
साथ ही इन अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन होंगे। दस्तावेज सत्यापन के बाद ही फाइनल आपकी लिस्ट जारी की जाएगी जिन अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इन अभ्यर्थियों में से दोस्तों अब सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग कितने अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन करवाता है ये सब सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग पर निर्भर करेगा। दस्तावेज सत्यापन आपके एक गुणा का करवाएगा या डेढ़ गुणा का या दो गुणा का, दोस्तों इन्हीं अभ्यर्थियों में दस्तावेज सत्यापन होंगे। लेकिन दोस्तों आपको मोटा मोटा इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं। आप टोटल पोस्टें अपने कैटेगरी में देखिए और उस अनुसार दोस्तों आपकी मेरिट बन रही है या नहीं ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें आप काउंट करके देखिए कौन सी कैटेगरी में कितने अभ्यर्थियों को पास किया गया है। ये मैं भी प्रयास करूँगा लेकिन दोस्तों आप अपना एनालिसिस करें कौन सी कैटेगरी में कितने अभ्यर्थियों को पास किया गया है, तो उससे एक आइडिया लग पाएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको जो अभ्यर्थी इसमें पास हुए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी प्रकार दोस्तों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा और अन्य भर्ती परीक्षाओं के संबंध में नवीनतम ताज़ा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो से जुड़े रहे। आपको समस्त भर्तियों के नवीनतम ताज़ा अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।